तीन अंक ना क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि तीन अंकीय संख्याओं का योग ए बी सी सी ए बी और डी ए सी है। आपको बताना है कि इनमें से किससे ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि विभाज्य नहीं है। ना इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बेसिक चीज़ें कुछ आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि जो वन होता है इसको हम इकाई कहते हैं, टेंस डिजिट को दहाई कहते हैं, और 100 डिजिट को सैकड़ा कहते हैं। और इसी तरीके से ये चलता जाता है, 1,000 हो जाएगा तो ये 1,000 हो जाएगा, इसके बाद 10,000, इसके बाद 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से ये चलता रहता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि तीन अंकीय संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है। तीन अंकीय संख्या यानी कि यहाँ पर सैकड़ा वाला अंक, यानी अंक सैकड़ा वाला अंक जो है दिया गया है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी सी है, ए कितने पर है, ए आपका है 100 डिजिट पर, यानी 100 डिजिट पर यानी कि 100 है, और बी कितना है 10 डिजिट पर, और सी कितना है यूनिट डिजिट पर यानी कि 1। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 प्लस 1। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, 100 ए कोऑर्डिनेट कर रहा है यहाँ पर, 10 यहाँ पर बी के, और 1 यहाँ पर सी को डिनोट कर रहा है। इसके बाद है सी ए बी, सी ए बी सेम उसी तरीके से, सी यहाँ पर कितने है, सी है यहाँ पर सैकड़ा वाले अंक पर, और ए हमारा कितना पर है, दहाई वाले अंक पर है, और बी जो है वो इकाई वाले अंक पर है। सेम उसी तरीके से हम अगले को भी करेंगे। अगला हमारा है बी सी ए, बी है 100 पर, और ये है 10 पर सी, और ये है आपका 1 पर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सारे का जो योग है 111, 111, 111 ही आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर हम इसको ऐड करें, यानी कि इन सारे को ऐड करें हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1, यही आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमको आना क्या है, यानी कि 1,000 ए, यानी कि आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, 101 इंटू ए बी सी, फिर आएगा 101 इंटू ए बी सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ पर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, तो हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में 111। अब 111 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फैक्टर करेंगे 111 का, तो 111 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 इंटू 3, 37 इंटू 3 जो हमारा ये फैक्टर आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है, तो हमारे जो ऑप्शन में कितने ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है ये कहीं से भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 इंटू हम 3 करेंगे तो ये 6 बनेगा, ये 2 से डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो उसी तरीके से जो भी संख्या होगी वो आपको ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी से भी डिविजिबल होगी, 111 से भी होगी, और 37 इंटू 3 से भी डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।